नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक मैजिक पे, जिसपे हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ग स्क्वायर। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पीछे वाली क्लास में देख लिए हैं, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम और देखने वाले हैं। ठीक है जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने आयत में आपको क्वेश्चन करवाया था, कौन सा, कि अगर उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन वर्ग में भी बनते हैं, वो क्वेश्चन आपके फिर आप जाके वर्ग में देखोगे तो वो क्वेश्चन आपको वहां पे भी मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें वर्ग का क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मेरे को दिया इसने कि भुजा में क्या किया, 10% की वृद्धि कर दीजिए। अब आपको बताना है कि आप उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको एक तरीका तो आपको पता है कि आप प्रारंभिक वैल्यू 100 मान के और आप अंतिम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये आपकी प्रारंभिक वैल्यू आपने 100 मानी, अब क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, भुजा गुणा भुजा, यानी आपको दो बार वृद्धि करनी पड़ेगी। अब पहली वृद्धि 100 × 110/100 और × 110/100। यहां से अगर आप अंतिम वैल्यू निकालोगे तो आपकी आएगी जी 100 से 100 कट गया आपका, और ये आपका जी दो बिंदु से दो शून्य से आपका कट गया और ये आपकी वैल्यू है जी 121। ये आपका पहले और दूसरे का डिफरेंस आ रहा है 121 माइनस 100, यानी आपकी 21% की आपकी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। बट लेकिन ये आपका तरीका वहीं तक सक्सेसफुल है जहां पे आपको वैल्यू आपने आपको ऐसे दे कि 10-15% या 20% या 5%। ठीक है, बट लेकिन जैसे वो आपको वैल्यू देगा 66/2/3% की कमी कर दी जाती है भुजा में, तो आप उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी वो आप बताइए, तब आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। तब आपको कौन सा तरीका काम में लेना है, आपको अपना तरीका काम में लेना है जो मैंने आपको बता रखा है, वही तरीका आपको सारे क्वेश्चन में काम में लेना है। क्वेश्चन कौन सा, वही जैसे हमने आयत में किया था सेम। क्या किया हमने आयत में, पहले इसको एक साधारण भिन्न में चेंज की, इसको अगर परसेंटेज हटाओगे तो 10/100 यानी 1/10। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, ये भुजा है पहले भुजा, ये भुजा आपकी बाद में भुजा, दो भुजाएं होंगी और ये आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है जी, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। भाई पहले भुजा कितनी है जी, 10 है। ठीक है, वृद्धि कितने की हो रही है, 11। फिर दो बार आपने को तो वही सेम कंडीशन होगी, तो 10 और ये 11। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है जी, भुजा गुणा भुजा। तो पहले क्षेत्रफल कितना हो गया जी 100, बाद में क्षेत्रफल कितना हो जी 11 × 121। कितने की वृद्धि हो रही है, 21 की वृद्धि हो रही है, किस पे, 100 पे, 21 की वृद्धि 100 पे। तो उसका परसेंटेज अगर निकालना हो तो क्या होगा, 21/100 × 100 यानी 21% आपका आंसर आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दो में दिया कि किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है जी क्वेश्चन आपका वही सेव वाले आयत वाले क्वेश्चन पे डिपेंड। कैसे, मैंने आयत पे बताया था कि आपके आयताकार मैदान है उसके बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हम निकाल सकते थे। अभी यहाँ पे कंडीशन हुई थी वर्गाकार, ये आपका वर्गाकार मैदान हो गया जी कोई भी। ठीक है, खेत मान लो मैदान जो इसने आपको दिया है, खेत दिया है, इसके बाहर से 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, 2 मीटर एक चौड़ा रास्ता बना हुआ है, वर्गाकार ही होगा। ठीक है, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या दिया उसने, रास्ते का क्षेत्रफल दिया उसने जी 72 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल अपने को दिया 72 वर्ग मीटर, ये आपको उसने दिया है। तो बोल रहा है कि आपसे खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे जी, आप या तो इसमें से इसकी पहले वर्ग की भुजा मानिए, वर्ग की भुजा मान के आप क्या करोगे, बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वो अगर करोगे माइनस तो आपको वो वैल्यू आपकी आएगी, दोनों का अंतर है जी 72। वहां से आप एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू निकालोगे वहां से आप
भुजा स्क्वायर कीजिएगा, यानी भुजा आपकी आ जाएगी एक वर्ग की, तो आप उसको भुजा स्क्वायर करके आप क्षेत्रफल निकालिए। डायरेक्ट तरीका हमने कैसे किया था क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले मैं आयत में आपको क्या बताया था कि जब रास्ता बाहर से हो तो बाहर से के रास्ते का क्षेत्रफल, मैंने आयत में क्या बताया था, दो गुना रास्ते की चौड़ाई बताया था, रास्ते की चौड़ाई करवाया था, गुणा गुणा में क्या करवाया था, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब उसमें आयत में क्या था, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें क्या हुआ, भुजा प्लस भुजा, भुजा प्लस भुजा। अब इसको भुजा प्लस भुजा लिखो, या अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको दो गुना भुजा लिख दूं, यानी दो गुना भुजा। और रास्ता जब बाहर से हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, दो गुना भुजा प्लस दो गुना रास्ते की चौड़ाई। सब बाकी सब सेम है, अपना डिफरेंस क्या है यहाँ पे, सेम आयत का कंडीशन यहाँ पे रखा आपने, बस ओनली चेंज क्या हो गया, अपना दो गुना राशि चुनाई है तो भाई दो गुना भुजा लिख दिया, क्योंकि ये वर्ग में क्या होता है, भुजा आपकी चारों सेम होती है, उसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। अब इसमें दोनों भुजाएं सेम है तो लंबाई की जगह भुजा, उसकी जगह भुजा, तो ये क्या हो गया, दो गुना भुजा और दो गुना रास्ते की चौड़ाई। ये आपका ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला क्या आपकी ट्रिक बन गई डायरेक्ट। अब इसमें आप मान रख लीजिए आपको रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है, उसने 72 दे रखा है, ये वैल्यू रख ली, दो गुना रास्ते की चौड़ाई दो दे रखी है, रख लिया, दो गुना भुजा अपने पास नहीं है जी, भुजा अपने को निकालनी है, भुजा अपने को निकालनी, हाँ दो गुना भुजा प्लस ये आपका दो गुना दो, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई आपकी जी 2 मीटर है। अब यहां से आप अगर निकालोगे तो आपकी वैल्यू आएगी जी 72 बटे ये आपका 2 बटे ये 4 इसके नीचे आ जाएगा जी, और इक्वल टू आ जाएगा दो गुना भुजा प्लस 4। अब यहां से मैं लिख सकता हूं ना, आगे यहां देखना, आगे कर रहा हूं यहां पे क्या, किसको लिख सकता हूं, दो गुना भुजा इक्वल टू ये 72 में अगर 4 का भाग लोगे तो आप कितना आएगा, 18 जाएगा, और ये 4 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा जी, माइनस का 18 माइनस 4, यानी 2 गुणा भुजा इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई जी 14। अब भुजा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो कितनी आएगी जी आपकी 14/2, यानी आपकी 7 मीटर आपकी वो भुजा आ गई। अब आपके पास अगर किसी वर्ग की भुजा हो 7 मीटर, आप स्वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, क्या होगा, क्षेत्रफल आपका होगा जी उसका भुजा स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर आपका होगा जी 49 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कैसे निकाला एक बार फिर देख लेते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल दिया, मैं आपको आयत में क्या करवाया था कि बाहर जब रास्ता हो तो बाहर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, दो गुना रास्ते की चौड़ाई मल्टीप्लाई दो गुना लंबा। अब यहां दो गुना भुजा क्यों लिया, क्योंकि आयत में क्या लेते थे, लंबाई और चौड़ाई, अब दोनों यहां पे सेम है तो उसको भुजा भुजा यानी दो गुणा भुजा लिख सकता हूं, प्लस वो तो आगे सेम है, दो गुणा रास्ते की चौड़ाई मान रखा है यहां पे, ओनली वैल्यू रखी है 72, यहां से सॉल्व किया वैल्यू आ गई हमारे पास भुजा की, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर अपनी वैल्यू आई जी 49 वर्ग मीटर। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक वर्ग व एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, यदि वर्ग का विकर्ण 6√2 लंबा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब उसने क्या कंडीशन दे दी कि एक समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज भी कौन सा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है इसके वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप, दोनों कंडीशन अपने को इक्वल्स दे दी। फिर दे रहा है कि वर्ग का विकीर्ण है, वर्ग का विकीर्ण आपका 6√2 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको यहां से एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, कि भी आपके पास समबाहु त्रिभुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप, ये कंडीशन तो आपको बराबर दे दी, अब दोनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपके पास भुजा तो कोई से की भी नहीं है दोनों में से, भाई भुजा अगर आपके पास त्रिभुज की जगह एक भुजा आ गई तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है जी आपका 3/4 भुजा स्क्वायर, ये मैंने आपको समबाहु त्रिभुज में करवाया था, और आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जी भुजा स्क्वायर, तो उसके लिए आपको भुजा चाहिए, तो भुजा हम कहां से निकाल सकते हैं, तो पहले देखिए वर्ग का विकर्ण अगर 6√2 सेंटीमीटर है तो आपको पता होगा कि वर्ग का विकर्ण
डी इक्वल्स टू, अब क्या लिखते हैं अंडर रूट टू ए, ये लिखते कि नहीं लिखते, यानी अंडर रूट दो गुना होता है उसकी भुजा का। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी, छह अंडर रूट दो, ये दे रखी कि नहीं दे रखी भाई हमको, डी इक्वल्स टू क्या होता है अंडर रूट टू ए, यानी दो अंडर रूट दो गुना भुजा का, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी है छह अंडर रूट टू, अंडर रूट टू से अंडर रूट टू कट गया, आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई थी छह सेंटीमीटर, आपके वर्ग की भुजा कितनी आ गई थी आपकी छह सेंटीमीटर। अब आपकी वर्ग की भुजा अगर छह सेंटीमीटर आती है यहां से, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते भी नहीं निकाल सकते, वर्ग का क्षेत्रफल तो आपका निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल आपका निकल सकता है, तो आपको पहले वर्ग, अब यहां पे देखना कंडीशन क्या थी, वर्ग का परिमाप और त्रिभुज का परिमाप बराबर दे रखा है, तो मैं पहले वर्ग का परिमाप निकालता हूं, वर्ग का परिमाप क्या होगा जी इसके अकॉर्डिंग चल रहा है बोला है, तो चार गुना भुजा, चार गुना भुजा छह, तो यानी वर्ग का परिमाप आ गया ये 24 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी बराबर है, अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको पता होता क्या होगा भाई, तीनों भुजाएं उसकी भी बराबर होती है, भाई समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप इक्वल्स टू कितना हो गया जी 3a, यानी भुजा का 3 गुना, तीनों भुजाएं सेम होती है 3a, उसकी वैल्यू वर्ग के परिमाप के बराबर, अब वर्ग का परिमाप कितना है अपने पास 24, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 24/3, यानी 8 सेंटीमीटर आपकी उसकी भुजा आ गई। अब यहां से आप दोनों चीजें आ गई, क्या आपके पास वर्ग की भुजा आ गई, आपके पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आपका क्या हो जाएगा जी भुजा स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, ये तो हो गया जी आपका 36 मीटर स्क्वायर, ये तो आपका ये हो गया। अब आपको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होगा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज की भुजा देखनी है ना कि अपने को वर्ग की, तो ये अपने पास यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें कितनी है 8 सेंटीमीटर आई है, 8 आई, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए अंडर रूट 3/4 गुणा 8 गुणा 8, या यहां से काटोगे तो 2 16 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर, ये आपका जी क्षेत्रफल, अगर सेंटीमीटर में वैल्यू होती है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है जी। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, पहले क्या दिया वर्ग का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको कंडीशन बराबर दे दी, पर लेकिन आपको चाहिए क्या दोनों निकालने के लिए, आपको भुजा चाहिए, भुजा कहां से निकाल सकते हो, पहले वर्ग का विकर्ण है, यहां से वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, वर्ग की भुजा निकाल के हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे, वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, फिर इस कंडीशन में आते हैं कि वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है, तो वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर अपने को पता है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी तीनों भुजाओं का योग, यानी 3a और 3a की वैल्यू आ गई 24/3 8 सेंटीमीटर, तो अपना वर्ग का क्षेत्रफल तो आ गया, इसकी भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 a, अंडर रूट 3/4 a a स्क्वायर, ठीक है, यानी भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4 स्क्वायर में इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आएगा जी 16 अंडर रूट 3 सेमी स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा जी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर वर्ग का विकर्ण है, जैसे 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब बोल रहा है कि एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, यानी जो 4 अंडर रूट 2 दिया है इस वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग के क्षेत्रफल से दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दुगुना है, यानी इसके एक एक वर्ग तो ये है जिसका विकर्ण 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, अब इसके अलावा एक वर्ग और दे रहा है उसका क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई उसने क्या दिया कि एक वर्ग तो ये आपका ये हो गया, वर्ग बनाइए जी, वर्ग बनाओगे तो आपका एक वर्ग तो ये होगा, एक आपका बड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दुगुना है, तो इसमें पहले वर्ग का विकर्ण अपने को कितना दिया, इसने पहले वर्ग का विकर्ण दिया 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो दूसरे का एरिया है, एरिया हो इसका एरिया फर्स्ट मानता हूं, इसका एरिया सेकंड, तो एरिया है वो पहले के दुगुना है, यानी दूसरे का जो क्षेत्रफल है वो पहले के क्षेत्रफल से डबल है, तो फिर पूछ रहा है कि बड़े विकर्ण के, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है, ये डी अपने को ज्ञात करनी है।
अब मेरे को एक चीज बताइए भाई, आपके पास वर्ग का विकेंद्र अगर 4 × 2 सेंटीमीटर है तो यहां से आप भुजा नहीं निकाल सकते क्या? तो पहले वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी आपकी? पहले वर्ग की भुजा आपकी क्या आ जाएगी? a इक्वल्स भाई आपका d क्या होता है आपको मैं बता देता हूं, क्या होता है? d इक्वल्स टू अंडर रूट 2a, ये आपसी की होगी। अब यहां पे अंडर रूट 2 d की वैल्यू आपको देख के रखिए, 4√2 और अंडर रूट 2a, 2 से 2 a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 सेंटीमीटर आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब वो क्या बोला कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल डबल है, तो हम क्या करते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा जी? a1 क्या आएगा जी? भुजा स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर या जी 16, ठीक है। यहां पे ये बात अपनी कंप्लीट हो गई। अब ये बोल रहा है कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, तो यानी a2 क्या आ जाएगा जी? अपना 16 × 2 यानी 32, ये तो आपका फर्स्ट सेमी स्क्वायर जैसे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये चीज निकालिए आपको d, यानी दूसरे वर्ग का विकेंद्र निकालना है। तो मैं वो एक चीज बताइए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल अगर अपने को दिया हो तो हम वहां से विकेंद्र कैसे निकालते हैं? तो एक संबंध होता है क्षेत्रफल और विकेंद्र में, संबंध क्या होता है जी? क्षेत्रफल और इसमें विकेंद्र में, यानी विकेंद्र स्क्वायर बटे 2 इक्वल्स टू आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है। आपका विकेंद्र वर्ग का विकेंद्र का स्क्वायर वर्ग के विकेंद्र का स्क्वायर बटे 2 इक्वल्स टू आपका क्या होता है जी? वर्ग का क्षेत्रफल होता है। यहां से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आएगी कैसे? d स्क्वायर बटे 2 इक्वल्स टू वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? इसका डबल है पहले वर्ग का यानी 32, और d स्क्वायर बटे ये 2 इधर जाएगा तो 32 × 2 यानी 64, और d की वैल्यू इसका अंडर रूट ऑफ 64, और d की वैल्यू आपकी आ जाएगी जी 8 सेंटीमीटर। ये आपकी जी आंसर होगा, ठीक है। कैसे होगा एक बार फिर देख लीजिए, वर्ग का विकर्ण आपको दिया है 4√2 सेंटीमीटर, ये दिया पहले वर्ग का विकर्ण। अब वो बोल रहा है कि जो एक दूसरा बड़ा वर्ग है उसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है, ये कंडीशन अपने को दिया है a2 = 2a1। यहां पे हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पहले वर्ग का भुजा क्या होगी? यहां से भुजा निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगी, और क्षेत्रफल कितना आएगा जी? 16 सेंटीमीटर यानी भुजा स्क्वायर। अब दूसरे का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो पहले के डबल है यानी 16 × 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको पता है कि वर्ग के विकर्ण और क्षेत्रफल में एक संबंध होता है, यानी वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर के उसमें अगर 2 का भाग देता हूं तो वो आपका क्षेत्रफल आएगा। अब वर्ग का स्क्वायर वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कितना दिया है जी? वर्ग का क्षेत्रफल 32, यहां से d स्क्वायर इक्वल्स टू 32 × 2 = 64, d इक्वल्स टू अंडर रूट 64, और d की वैल्यू भी आ गई जी आपकी अंडर रूट 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो इस क्लास में बस इतना ही, वर्ग से संबंधित हमने कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हमने देखे थे, ठीक है। अगर आपको वर्ग से संबंधित किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन को लिखिएगा, और अभी आगे जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको वर्ग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो अभी इस क्लास में करवा लिया, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा वो क्या बोलेगा कि वो वर्ग से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे ये वर्ग दे देगा वो आपको, ये वर्ग दे दिया, अब वो बोलेगा कि इस वर्ग के अंतर्वृत्त, और मैं वर्त का क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि हमने अभी वर्त नहीं पढ़ा है, जैसे ही हम वर्त पढ़ेंगे वहां पर ट्राइंगल से संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बने अंतर्वर्त और परिवर्त का क्षेत्रफल, वो क्वेश्चन आपने देखा होगा, ठीक है। और ये एक वर्ग के अंदर भी आप क्या बना सकते हो, एक सर्किल बना सकते हो अंतर्वर्त, और इसके बाहर से भी एक ये बन सकता है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल वो आपसे ये सब चीजें हम आगे किसमें देखेंगे, एक बार हम सर्किल पढ़ लेंगे उसके बाद में ये सब चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, तो वो हम सब देखेंगे आगे सर्किल की क्लास में। सर्किल की क्लास जब होगी तो ये क्वेश्चन हम साथ में ले लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, और इसमें हमने स्क्वायर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको विनती था।